बात नहीं है, बहुत VIP जबरदस्त है। ये चीज आ गई भाई, फ्राइज का मज़ा है कि आप जब गरम गरम खाएं ना, फ्राइज उसी का मज़ा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ असीबुर रहमान, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं जौहर में और यहाँ पर हम आए हैं फ्रेंच चीज़ के ऊपर। इसके बिल्कुल अपोजिट है कॉन्टिनेंटल बेकरी। अस्सलामुअलैकुम, तला क्या हाल है, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तला मुझे बताएं आपके पास जो है मेन्यू में क्या क्या चीज़ें और आपकी क्या स्पेशलिटी क्या है? सर हमारे पास मेन्यू के अंदर चार चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसमें सबसे पहले आता है डिप्स एंड चिप्स। डिप्स एंड चिप्स हमारे फ्राइज़ हैं और उसके साथ हम ये हमारी सॉस है जिसके साथ हम जो है डिप्स एंड चिप्स अपने सर्व कर रहे होते हैं। और डिप्स एंड चिप्स के बाद हमारे पास चिकन पॉपर्स आते हैं, जिसके अंदर चिकन के छोटे छोटे पीसेस हम सर्व कर रहे होते हैं, वही सेम विद शाही सॉस और केचप और चिली सॉस। उसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पर आता है चिकन चीज़ फ्राइज, जिसके अंदर हमारे पास चिकन भी होती है, फ्राइज़ भी होते हैं और साथ में हमारी चीज़ भी शामिल होती है। चीज़ जो है खुद आप तैयार करते हैं? जी बिल्कुल, यहीं पर ही तैयार होती है ये चीज़। इसके अंदर चार पाँच चीज़ें मिक्स हुई भी होती हैं। चौथे नंबर पर हमारे पास आता है चिकन चिप, जो कि चिकन और फ्राइज़ हैं, इसके अंदर चीज़ शामिल नहीं होती है। ये इसके अंदर जो है चिकन की कोटिंग की जा रही है, ये मैदा के ऊपर कोटिंग, मैदा आ गया। अच्छा सफाई का भी ख्याल रखा गया है, हर चीज़ पैक करके बिल्कुल प्रॉपर रखी गई है और रखनी भी चाहिए। जैसे आजकल बारिशों के बाद मक्खियाँ बहुत हो गई हैं जगह जगह, तो उसके हिसाब से बेहतर है कि चीज़ को ढक के और साफ़ सुथरी रखा जाए, यही बेहतर है तरीका। अच्छा इसकी ऑयल की क्वालिटी भी जो है माशाल्लाह फाइन क्वालिटी का ऑयल है। अच्छा 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको रेडी होने में। ये चिकन, अच्छा फ्राइज अभी रेडी करेंगे, ठीक है। दूध है? अच्छा भाई ऑल पर्स का दूध ऐड किया। फ्राइज भी ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। दो तीन बार आए हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छी मतलब सर्विस दे रहे हैं। टेस्ट अच्छा है, टेस्ट अच्छा है VIP। बड़े क्रिस्पी फ्राइज लग गए। ये कौन सा मसाला? ये फजीता है। फजीता, फजीता फ्लेवर ऐड कर रहे हैं इसमें। ये बारबेक्यू, बारबेक्यू फ्लेवर आ गया। ये चिकन फ्लेवर, चिकन फ्लेवर। ये अफगानी है, ये अफगानी। सारे फ्लेवर एक साथ डालते हैं। टेस्ट करते हैं ये मसाले कैसे हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत गर्म हो रहा है। मसाले बहुत जानदार हैं, मसाले बहुत जानदार हैं।
फ्राइज डालते हैं फिर पहले फ्राइज डालते हैं, मायो केचप। अच्छा ये जो ये मायो कौन सा है, ये काफ़ी डिफरेंट कलर है इसका। चिकन आ गया इसके ऊपर। ये फुल साइज है। हाँ ये फुल साइज। ऊपर चीज ऐड हो जाएगी इसके ऊपर। ये चीज आ गई है। जब चीज इसीलिए आप गर्म करते हैं कि अंदर तक चले जाए मेल्ट होके। अच्छा ये वजह है। आगे भाई चीज, ये रेडी हो गया। ये फाइनली पूरा रेडी हो चुका है और इसका साइज जो है ये हमारी 3 साइजेस कौन सा। इसके अंदर बेसिकली हम लोग सर्विंग कर रहे होते हैं, तो ये आइटम ऐसा है कि हम इसको डिलीवर करें तो ये ठंडा होने पे लाइक उसका टेस्ट जो है वो फिर उस तरह का नहीं रहता जिस तरह की लोगों की डिमांड होती है। तो मोस्टली हम लोगों ने यहाँ पर सेटअप वगैरह लगाया हुआ है कि आप डाइन इन करें, और अगर आप लेकर जाना चाहें तो हम टेक अवे भी करवा देते हैं, लेकिन टेक अवे को हम रिकमेंड नहीं करते। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे थी चिकन। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत ही डिफरेंट मसाले इसमें ऐड किए हैं, बहुत ही जानदार है, टेस्टी हैं, स्पाइसी नहीं है, टेस्टी हैं और बहुत ही मज़ेदार हैं। तो कोशिश ये करेंगे कि फ्राइज़ के साथ चिकन ट्राई करें। सॉस भी बहुत अच्छा है, बिल्कुल चीज़ फ्लेवर आ रहा है, बिल्कुल चीज़ी टेस्ट आ रहा है। यह देखें है तो बहुत मज़े के, बहुत ही मज़ा आ रहा है। स्पेशली जो इसमें मसालों का टच दिया है ना, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ेदार फ्लेवर यूज़ किया है। अच्छा फ्राइज़ का मज़ा है कि आप जब गरम गरम खाएं ना फ्राइज़, उसी का मज़ा है। अगर आप इसको काफ़ी देर बाद खाएं और ठंडे हो जाएँ तो वो बात नहीं आती जो टेस्ट गर्म में आता है। ज़बरदस्त फ्राइज़ मुझे अच्छे लगे, आई होप कि आपको भी पसंद आएंगे, आप भी ट्राई करें। तो अपनी वीडियो का हम ये इख्तिताम करते हैं, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।